हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10वीं पास लोगों के लिए ऐसी सरकारी नौकरी जो कि इंडिया पोस्ट डाक विभाग में 2411 भर्तियाँ की जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 2411 यानी कि 2500 के लगभग ये भर्तियाँ की जाएंगी जिसमें 10वीं पास लोग आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपको आवेदन करना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं और उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, किस प्रकार से आप इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल रिंग्स चॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले भविष्य में आपको इसी तरह की सरकारी नौकरी और एजुकेशन से जुड़ी जानकारी आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, ये जो नौकरियां निकाली गई है ग्रामीण डाक सेवक के पद के लिए जिसमें 10वीं पास लोग आवेदन कर सकते हैं, 2411 पोस्ट निकाली गई है जिसमें आप फ्रेशर हैं, आपने कोई काम नहीं किया है, आपको कोई अनुभव नहीं है, फिर भी आप इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और 19 फरवरी 2018 से पहले आपको आवेदन करना है। आगे मैं आपको बता रही हूँ कि आवेदन किस प्रकार से आपको भेजना है। पूरे देश भर में ये नौकरियाँ निकाली गई हैं लेकिन जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, इनकी दिखा रही हूँ और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में कि और किन किन जगहों पर यह नौकरी निकाली गई है। इंडिया पोस्ट भर्ती 2018 में निकाली गई है जिसमें 10वीं पास लोगों को आवेदन करना है। 2411 की संख्या यानी कि 2500 के लगभग ये। अगर आप इस नौकरी के लिए ऑफलाइन आवेदन यानी कई डाक खाने के पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको मैं जो एड्रेस बता रही हूँ स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इंडियन ऑफिस, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, मध्य प्रदेश के, इस एड्रेस पर जो मैंने आपको बताया अभी बोलकर स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा है, इस एड्रेस पर आपको पोस्ट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स और इस एड्रेस पर पोस्ट करके आप अपना आवेदन भेज सकते हैं और ये आपको 19 फरवरी 2018 से पहले पहले भेजना होगा। और अगर आप इस नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो मैं आपको वेबसाइट जो बता रही हूँ इंडिया पोस्ट की, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, indiapost.gov.in, इसके अलावा www.appost.in, इन वेबसाइट पर आप लिंक क्लिक करके, मतलब कि इन वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी दोस्तों, जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो पेज खुलेंगे वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी आगे वीडियो में, जिस पर आप देख सकते हैं कि पूरे देश भर में कहां कहां पर ये वैकेंसीज निकाली गई है पोस्ट ऑफिस की और किस तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। दोस्तों, जो वेबसाइट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी उस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें जानकारी इस प्रकार से बताई जाएगी जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके, ये अप्लाई ऑनलाइन ओपन फॉर मध्य प्रदेश और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड पेड। ये भर्तियाँ पहले भी निकाली गई थी दोस्तों, पता नहीं किसी कारणवश, ये तो बताया नहीं कौन सा कारण है, लेकिन ये भर्तियों को बंद करके दोबारा खोला गया है। और मैं ये बता दूँ इसमें लिखा हुआ है जिन लोगों ने 3/4/2017 यानी कि 3 अप्रैल 2017 में आवेदन किया था, 3 अप्रैल 2017 में आवेदन किया था, उन लोगों को कैंसिल कर दिया गया है। वो दोबारा रजिस्टर कर सकते हैं लेकिन उन्हें फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है दोबारा रजिस्टर करने के लिए, उनको पुरानी फ़ी रिसिप्ट लेकर ही वो दोबारा से ही रजिस्टर कर सकते हैं, इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जब ये वेबसाइट लिंक आप खोलते हैं तो आपके सामने देखिए ये वाला पेज भी खुलकर सामने आ जाएगा जिसमें ये लिखा है ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक एंगेजमेंट अप्लाई ऑनलाइन ओपन फॉर मध्य प्रदेश, यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए खुला हुआ है ये, इस पर कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आप नीचे देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि ये मध्य प्रदेश के अलावा भी किन जगहों पर ये नौकरी निकली हुई है देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है पूरी डिटेल, आसाम में कितनी निकली हुई है, आंध्र प्रदेश में कितनी निकली हुई है, हिमाचल प्रदेश में कितनी निकली हुई है, इसके साथ ही गुजरात, झारखंड और ये कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये सारी जगहों पर कितनी पोस्ट निकली हुई है आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है। सारा डिटेल इस पेज पर दिया हुआ है जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज खुलकर सामने आ जाएगा जिसमें आप सारी डिटेल विस्तार से देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले भविष्य में भी इसी तरह की सरकारी नौकरियों और एजुकेशन से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।